हेलो एवरीबडी वेलकम टू आशीष सिंह लेक्चर्स आई एम अदीहा खान योर फ्रेंड हु इज टू हेल्प यू विद योर इंग्लिश लैंग्वेज तो लास्ट क्लास में वही हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़े थे उन्हें हमने सीख लिया था ऑलमोस्ट भाई कैसे हम जो है ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी टू इंग्लिश है ना क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होती हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आती आप लोगों को ठीक है अब भाई क्या केस है यहाँ पर हमारा जो सेकेंड केस था वो ये है कि अब हम भाई क्या करेंगे इंग्लिश टू हिंदी कैसे हम Uh, कर सकते हैं ना तो चलो आप जल्दी से स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो है स्ट्रक्चर देख लो वापस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के बाद आपका हैज़ या हैव आता है फिर बीन लगाना होता है आपको फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी लगाना होता है और आपका ऑब्जेक्ट है ना इसको क्लियरली हम यहाँ से देख सकते हैं भाई जब भी हम आई वी यू दे वाली बात कर रहे हैं हम तुम मैं और जैसे एक से ज़्यादा लोग हैं तब हम हैव यूज़ करते हैं साथ में बीन यूज़ करके वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले में आईएनजी लगा देना और उसमें टाइम भी आता है ठीक है अगर हम ही शी यूज कर रहे हैं तो हम हैज लगाते हैं बाकी वैसा ही रहता है ठीक है आई वी यू अगर हम जो है नेगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं तो हम क्या करते हैं बीच में नॉट लगा देते हैं बस इतना ही डिफरेंस होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस के केसेस में क्या होता है कि भाई आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब है हैव और हैज गया आ जाता है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और फिर आपका बाकी का सेंटेंस एज इट इज रहता है क्लियर है यहाँ पर ये देख लो फिर हम आगे चलते हैं जल्दी से और ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे चलो ट्रांसलेशन शुरू करें तो भाई पहला सेंटेंस जो है आपका क्या कहता है ali has been painting the room फ्रॉम टू आवर्स ही पेंटिंग इट ठीक है अली जो है दो घंटे से रूम पेंट कर रहा है और वो अभी भी जो है पेंट कर रहा है कंटिन्यू है ना तो अली हैज बीन और देखो अब क्या होगा आपका भाई हम सिंपल ये तो हमें पता है कि हमें सेंस कैसे लगाना है है ना तो भाई यहाँ एक तो पहले यहाँ पे क्या आएगा फ्रॉम आएगा ठीक है ये फॉर नहीं होगा दैट इज फ्रॉम ठीक है तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे अली कितने दो घंटे से क्या कर रहा है रूम में पेंट कर रहा है या रूम को पेंट कर रहा है कर रहा है ही इज स्टिल पेंटिंग इट ही के लिए हम क्या लगाते हैं वे वे स्टिल मतलब अभी भी है ना अभी भी क्या कर रहा है पेंट कर रहा है ठीक है तो यहां पे देखो आपको सेंटेंस का एक डिफरेंस मैं बताती हूं ये जो पहला सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट था ठीक है वो हमारा सेंटेंस क्या था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस था लेकिन हमारा जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूस देखो दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है भाई कि एक में तो डिफरेंस आ रहा है कि भाई टाइम आ रहा है कि भाई इतने टाइम से कर रहा है तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहला देता है लेकिन एक आ रहा है कि भाई वो अभी भी कर रहा है इस समय भी कर रहा है तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस कहला देता है इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस दिए हैं जिससे आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट करना आ जाए ठीक है नेक्स्ट देखो जिम्मी हैज बीन वर्किंग एज अ

है ना तो सिम्मी जिम्मी 2009 से क्या कर रहा है एक डाके के रूप में काम कर रहा है रूप में काम कर रहा है तो ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट के भाई वो पहले लंबे समय से कर रहा है है ना आप यहाँ पे देखो साथ में क्या दे दिया है ही इज स्टिल वर्किंग एज अ पोस्टमैन है ना ही इज स्टिल मतलब वह अभी भी वह अभी भी डाकिया के रूप में ही काम कर रहा है है ना तो यहाँ पे भी सेंटेंस कैसा है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस ये ऊपर वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है कि भाई काफ़ी लंबे समय तक वो यही करता आ रहा है और उसके बाद जो उसका आगे सेंटेंस है वो कैसा है प्रेजेंट कंटिन्यूस है कि भाई वो अभी भी यही काम करता आ रहा है तो आपको इस तरीके से लिखना आना चाहिए आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग जस्ट नाउ आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बिन रनिंग Just now, तो यहाँ पे क्या बात हुई भाई कि मैं थक गया हूँ क्योंकि मैं अभी दौड़ रहा हूँ ठीक है मैं थक गया हूँ आई एम टायर्ड बिकॉज क्योंकि आई हैव बिन रनिंग जस्ट नाउ क्योंकि मैं भी दौड़ रहा हूँ ठीक है इस तरीके से आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है जैसे ये वाला सेंटेंस में आप कंफ्यूज हो सकते थे कि भाई जस्ट नाउ जस्ट नाउ तो अभी हो रहा है लेकिन आई हैव बीन है ना अभी भी इसीलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में तो थोड़ा बहुत आपको अपना माइंड जो है वो लगाना पड़ेगा ठीक है यहाँ क्लियर हो गया आगे चलते हैं माई फुल आई हैव बीन ईटिंग फॉर फिफ्टीन मिनट्स तो माय स्टमक इज फुल माय स्टमक इज फुल मेरा पेट भरा हुआ है है ना माय स्टमक इज फुल मेरा पेट भर गया है ना या भरा हुआ है अब देखो ये सेंटेंस कैसा है मैं वो भी बताती हूँ तुम्हें ये सेंटेंस है तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें आपका काम फिनिश हो गया है है ना ये सेंटेंस कैसा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट इसमें देखो काम पूरा हो गया, गया है है ना ये आपका कैसा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट लेकिन इसके आगे वाले जो सेंटेंस है वो कैसा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है क्योंकि उसमें पंद्रह मिनट से वो काम हो रहा था तो आई हैव बीन ईटिंग फॉर फिफ्टीन मिनट्स ठीक है फ्रॉम आएगा यहाँ भी आई हैव बीन ईटिंग फ्रॉम फिफ्टीन मिनट्स और यहाँ पे क्या होगा आपका साथ में कि वही मैं पंद्रह मिनट से खाना खा रहा हूं ना यहाँ पे पहले तो इसको फ्रॉम कर लो मैं कब से वही पंद्रह मिनट से खाना खा रहा हूं बस इस तरीके से आपको सेंटेंसेस करने हैं लुक एट अइज आई एम श्योर शी हैज बीन क्राइम लुक एट अराइज उसकी आंखें देखो है ना? उसकी आंखों को देखो या उसकी आंखें देखो दोनों लिख सकते हो आप आई एम श्योर शी हैज बीन क्राइम है ना मैं, मुझे यकीन है कि वह रो रही थी इसको यहां तक ही यह रखो ठीक है ये वाला हटाओ इसमें से श्योर शी हैज बीन क्राइंग फॉर सम टाइम ठीक है इसको यहाँ आगे लिखो फॉर टाइम ठीक है तब जाके तुम्हारा सेंटेंस का सेंस बनेगा मुझे यकीन है कि वह कुछ समय से रो रही है तब जाके तुम्हारा सही बनेगा सेंटेंस ठीक है कुछ इसके आगे का मैं यहां लिख रही हूं ठीक है आई हैव बिन लिविंग इन बॉस्टन फॉर टू मंथ्स मैं कब से दो महीनों से या दो महीने से कहां रह रहा हूं बॉस्टन में रह रहा हूं बॉस्टन में रह रहा हूं, रहा हूं। ठीक है आई हैव बिन वर्किंग एज अ वेट्रेस फॉर द पास्ट वीक मैं कब से पास्ट वीक देखो जो मैं आपको बात बता रही थी ना लेक्चर नंबर सिक्सटीन में कि पास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते से मैं क्या चीज भाई पिछले हफ्ते से वेट्रेस के रूप में क्या कर रही हूँ काम कर रही हूँ हिंदी में तो इजी है ना सेंटेंसेस क्योंकि हमें ऑलरेडी सब समझ आता है यहाँ पर है ना यहाँ इतनी दिक्कत हमें होनी नहीं है है ना ठीक है तो इस तरीके से करना है देख लो फिर आगे चलेंगे चलो नेक्स्ट देखो आई हैव बीन टीचिंग एट दिस स्कूल सिंस 2015 मैं इस स्कूल इस स्कूल में कब से 2015 से पढ़ा रही हूं या पढ़ा रहा हूं ठीक है टॉम हैज बीन कैचिंग फिश सिंस सनसेट सूर्यास्त सूर्यास्ते क्या कर रहा है मछली पकड़ रहा है मछलियां भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है He has been enjoying sound sleep for 6 hours. वह कब से वह छे घंटे से अच्छी नींद के मजे ले रहा है बहुत इजी है हिंदी में तो ट्रांसलेट करना बहुत इजी है तुम लोगों के लिए इसलिए मैं तुम्हें इतना ज्यादा जो है डीप में नहीं बता रही है ना शी हैज़ बीन टेकिंग टी फ्रॉम फॉर मैनी डेज वे काफी सॉरी है ना सालों से क्या कर है रही है भाई चाय पी रही हैं या ले रही हैं ठीक है, टेकिंग का भी मतलब ऐसे पीना ही होता है ठीक है आई हैव बिन रीडिंग द न्यूज पेपर मैं अखबार एक सेकेंड रुको इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि इसका सेंस बने सही है ना तो यहां पे सेंस बनाने के लिए क्या करोगे तुम आई हैव बिन रीडिंग द न्यूज़पेपर फ्रॉम थर्टी मिनट्स या हाफ एन आवर है ना तो मैं आधे घंटे से अखबार पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं अखबार पढ़ रही हूं या रहा हूं जो तुम्हें सही लगे क्योंकि यहां पे ही और शी नहीं दे रखा है क्लियर चलो ही हैज बीन वर्किंग फॉर एट आवर्स ही हैज working वर्किंग फ्रॉम 8 आवर्स ठीक है यहाँ पे भी फॉर नहीं आएगा फ्रॉम आएगा कभी कभी क्या होता है कि हम जब है ना क्या होता है कभी कभी मिस्टेक्स होती है ना तो इसमें क्या होता है पीपीटी बनाते टाइम देखो एक तो मैं बताती हूँ बात में ना कि कभी भी आप पी बनाते हो तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि आप है ना किसी वर्ड को रिप्लेस करते हो तो क्या हो जाता है कि आपको फिर चेक भी करना होता है जो यहाँ मुझसे गलती हो गई कि मैंने, नहीं कि मैंने, तो मैंने चेक नहीं किया कि भाई मैंने रिप्लेस तो कर दिया फॉर से लेकिन मैंने दोबारा चेक नहीं किया कि भाई फ्रॉम भी लगाना था मुझे जहाँ से हटा होगा ठीक है तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको छोटा सा कि भाई जब भी आप कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो उसमें कोई भी वर्ड रिप्लेस करते हो है ना तो उस पर एक बार दोबारा से रीचेक कर लेना चाहिए ठीक है तो वही यहाँ पे हुआ है यहाँ पे हर जगह फॉर हो गया बट यहाँ फ्रॉम आएगा क्योंकि थोड़ा ही समय है है ना जब भी थोड़ा समय होता है तो हम फ्रॉम लिखते हैं जब बहुत ज्यादा ही लंबा समय होता है तो सिंस लिखते हैं और जब बीच का समय होता है तो फॉर आता है ठीक है तो यहाँ पे ही फ्रॉम एट आवर्स ही इज टायर्ड वह थका हुआ है वह थका हुआ है बिकॉज क्योंकि He has been working from 8 hours where Aunt ghanto se kya kar raha okay. The birds have been chirping since morning. चिड़िया कब से सुबह से क्या कर रही है चहचा रही है चॉपिंग करना जो उनकी आवाज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं चहचाना, तो चहचहा रही है ठीक है माई बिजनेस हैज बिन मेकिंग प्रोग्रेस सिंस टू थाउजेंड ट्वेल्व मेरा बिजनेस मेरा व्यवसाय मेरा काम जो भी आपको लिखना है मेरा व्यवसाय जो है क्या कर रहा है भाई तरक्की कर रहा है या प्रगति कर रहा है कब से 2012 से तो 2012 से क्या कर रहा है प्रगति कर रहा है आव बिन बेदिंग फॉर फ्रॉम ठीक है यहाँ पे भी वही वाला सेम हो गया है सीन बस तो यहाँ पे भी पहले इसको फ्रॉम कर लो ठीक है तो मैं 20 मिनट से नहा रही हूँ या नहा रहा हूँ द वर्कर्स है हाउस फॉर मैनी डेज द वर्कर्स वर्कर्स मजदूर है ना मजदूर कई दिनों से बिल्डिंग इमारत का क्या कर रहे हैं निर्माण है ना बना रहे हैं तो निर्माण कर रहे हैं ठीक है एलिस हैज बीन स्विमिंग इन द पूल फ्रॉम फाइव आवर्स He is fond of it. Alice पांच घंटों से पांच घंटे से क्या कर रहा है पूल में तैर रहा है फूल में तैर रहा है ही इज फॉन्ड ऑफ इट उसे इसका शौक है या वह इसका शौकीन है The child हैज been प्लेइंग अ गेम फ्रॉम 2 hours. बच्चा कब से दो घंटे से बच्चा दो घंटे से गेम खेल रहा है आई हैव been स्पेंडिंग my हॉलीडे ऑन द बीच मैं बीच पर अपनी छुट्टियां बिता रहा हूँ या बिता रही हूँ एक सेकेंड आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग लॉ फॉर फाइव years. मैं कब से पाँच सालों से क्या कर रही हूँ वकालत कर रही हूँ आर्टिस्ट हैज बीन ड्रॉइंग सीनरी फ्रॉम थ्री आर्स आर्टिस्ट को हम क्या लिख सकते हैं कलाकार है ना कलाकार कलाकार कब से तीन घंटे से तीन घंटे से क्या कर रहा है दृश्यों को चित्रित कर रहा है सीनरी दृश्य Allen has been treating the patient since 2019 Allen 2019 से क्या कर रही है पेशेंट्स का ना मरीजों का इलाज treating the patients मरीजों का इलाज कर रही है अच्छा कर रहा है ठीक है कर रहा है ही है ना एक तो अंग्रेजों के नामों में कंफ्यूजन इतना होता है लड़के लड़के किसी का नाम कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है ही डॉक्टर वे एक डॉक्टर है ठीक है He has been learning French since he went to college where कॉलेज जाने के बाद से क्या सीख रहा है फ्रेंच सीख रहा है ठीक है समझ आ गया तो बस इसी तरीके से आपको बहुत इजीली इंग्लिश तो हिंदी ट्रांसलेशन करना है प्रेजेंट के अकॉर्डिंग अब हम नेक्स्ट टेंस करेंगे ठीक है अब हम जो है हमारे प्रेजेंट के टेंसेस सारे खत्म हो गए हैं ना अब भी वाले जो हैं हमारे टेंसेस फिनिश हो गए हैं अब हम या तो फ्यूचर उठाएंगे या पास्ट उठाएंगे ठीक है उनके जितने भी टाइप्स ऑफ टेंसेज है वो करेंगे तो आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाव बाय बाय एंड हैवे नाइस डे